गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम आमिर खान, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। टुडे आई विल टीच द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th, ओके, एंड द टॉपिक इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है प्रीवियस किसी टॉपिक में, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसकी सॉल्यूशन देगी जल्द से जल्द, ओके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। तो ये लॉ दिया था जॉन डाल्टन ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ये लॉ दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। और मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है। एक्चुअली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 5 लॉ आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसको गे लुसाक ऑफ वॉल्यूम भी कहते हैं, और फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बुक में आपको वो चीज़ मिलेगी, ओके। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक टाइप है। तो अब देखिए, ये लॉ क्या चीज़ है, तो मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। सबसे पहले तो इस लॉ को मैं समझाता हूँ, ये लॉ कहता क्या है। तो दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन अ एलिमेंट इज कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड, ठीक है, जब कोई एलिमेंट कंबाइन करता है तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा। चलिए मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड इन विच द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज कॉन्स्टेंट वाइल द रेशियो ऑफ मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज द मल्टीपल ऑफ होल नंबर। देखिए मैंने क्या कहा, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ यहाँ पर। जब कोई एलिमेंट कंबाइन करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। अगर वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स होगा, जबकि दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल होगा किसी होल नंबर के। मैं समझाता हूँ, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ओके, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो दो कंपाउंड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो हो सकता है एक से ज़्यादा कंपाउंड बने। फिर मैंने क्या बताया, इन विच द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स होगा। इन विच द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड व्हाइल द रेशियो ऑफ मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज द मल्टीपल ऑफ होल नंबर। तो ये जो दो कंपाउंड बना ना, इस कंपाउंड में एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स होगा, जबकि दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल होगा किसी होल नंबर के। समझाता हूं मैं इस चीज को। तो देखिए, कार्बन का मास कितना लिखेंगे यहां पर, तो इस चीज को मैं जरा नीचे में लिखता हूं ताकि के अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहां पर कार्बन का मास कितना है, 12:2। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो जरा इसको कट करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16। तो रेशियो कितना आया, रेशियो आया 3:4। अब जरा कार्बन डाइऑक्साइड में देख लेते हैं, कार्बन का मास कितना है, 12:2। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो 16 2 कितना होगा, 32। अब इसको कट करते हैं, तो 4 3 12, ओके, एंड 4 8 32। तो स्टूडेंट यहां पर रेशियो कितना आया, 3:8। अब जरा देखिए, तो इस कंपाउंड में एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है, यहां पे कार्बन का भी रेशियो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कार्बन का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3। तो इसमें से एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है, जबकि दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल है किसी होल नंबर के। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का रेशियो 4 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो 4 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो 8 है। तो ये 4 का मल्टीपल 8 होता है ना, मेरी बात समझ गए ना आप मैंने क्या कहा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या, H2+O2। अगर H2 और O2 को रिएक्ट कराएंगे तो दो कंपाउंड बनता है, एक बनता है वाटर H2O और एक क्या बन सकता है, H2O2, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ऐसा ऐसा दो ऑक्सीजन है तो 2:2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, काटेंगे क्या होगा 2 1 2 2 8 16, तो रेशियो कितना आया 1:8। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखते हैं, दो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 हाइड्रोजन का मास 2, क्या लिखाएंगे 2:2, ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो 16:32, काटेंगे क्या होगा 2 1 2 और 16:32, रेशियो कितना आया, रेशियो आया 1:16। तो अब जरा देखिए, तो वाटर में हाइड्रोजन का रेशियो 1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 में भी हाइड्रोजन का रेशियो 1, तो इस दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है, एक एलिमेंट का मास का रेशियो फिक्स है, वो है कितना 1, जबकि दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल है किसी होल नंबर के। अब देखिए ना, 8:2 16 होता है ना, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 1:8, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना आया 1:16। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन करता है तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। तो अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया तो एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स होगा। जैसे यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें से एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है, कार्बन का भी 3 मोनोऑक्साइड में, डाइऑक्साइड में भी कार्बन का रेशियो फिक्स, जबकि दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल होगा किसी होल नंबर के। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो 4, जबकि डाइऑक्साइड में 8, तो 4:8 होता है ना। सिमिलरली वाटर में हाइड्रोजन का रेशियो 1 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हाइड्रोजन का रेशियो 1, जबकि ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में 8, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 16, तो एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है 1:1, दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल है किसी होल नंबर के। इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस बताऊंगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।